बैंकिंग कंपनियों का अंकेक्षण या ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। आज हम विभिन्न प्रकार की कंपनियों के अंकेक्षण के बारे में इस लेक्चर से चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बैंकिंग कंपनियों के अंकेक्षण के बारे में बात करेंगे। बैंकिंग कंपनियों से अभिप्राय या बैंकिंग कंपनियों का अर्थ जानने के लिए हम भारत में बैंकिंग कंपनियों की स्थापना बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार की जाती है। इस अधिनियम के अनुसार ही एक बैंकिंग कंपनी को अपने खाते तैयार करने होते हैं और इन खातों का अंकेक्षण एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा करवाना आवश्यक है। इस अधिनियम के सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग कंपनी के चिट्ठे एवं लाभहानि खाते तैयार किए जाते हैं और सेक्शन 30 के अनुसार ये चिट्ठे या लाभहानि खाते अंकेक्षकों द्वारा तैयार किए जाते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अंकेक्षक की नियुक्ति, अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। भारत में बैंकिंग कंपनी के अंकेक्षण के संबंध में मुख्य बातें इस प्रकार है। सबसे पहले बैंकिंग कंपनियों का अर्थ समझना आवश्यक है। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के सेक्शन 5B के अकॉर्डिंग बैंकिंग व्यवसाय का आशय ऋण देने या विनियोजन के लिए जनता से जमाएं या डिपॉजिट स्वीकार करने से है, जिनको उनके मांगने पर अथवा अन्य प्रकार से चेक, ड्राफ्ट या निकासी द्वारा यानी विड्रॉल द्वारा जमाएं, चेक, ड्राफ्ट या निकासी द्वारा या अन्य किसी प्रकार की आज्ञा द्वारा लौटाया जा सके। सेक्शन 5C के अकॉर्डिंग बैंकिंग कंपनी वह है जो भारत में बैंकिंग व्यवसाय करे। सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी जो इस प्रकार का व्यवसाय करती है उसे अपने नाम के साथ बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्द का प्रयोग करना आवश्यक है। अर्थात इन सभी बातों से यह स्पष्ट है कि बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुई हो एवं वह कंपनी बैंकिंग व्यवसाय में लगी हो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि औद्योगिक या अन्य कंपनियां जो वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए जनता से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है तो उन कंपनियों को बैंकिंग कंपनी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ऐसी कंपनियां बैंकिंग व्यापार नहीं करती है। बैंकिंग कंपनियों के प्रावधान या प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग कंपनीज, आज हम पार्शियली इसके बारे में बात कर रहे हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग सेक्शन 29 से 33 तक बैंकिंग कंपनियों के वार्षिक खातों एवं उनके अंकेक्षण के संबंध में प्रावधान दिए हुए हैं। सबसे पहले वार्षिक खातों के बारे में समझना आवश्यक है, यानी वार्षिक खाते या एनुअल अकाउंट्स। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में भारत में सम्मिलित प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को अपने समस्त व्यापार के संबंध में उस वर्ष से संबंधित लाभहानि खाता एवं चिट्ठा तैयार करना आवश्यक है। इनका स्वरूप बैंकिंग नियम अधिनियम की तृतीय अनुसूची में दिया हुआ है, अतः यह खाते तृतीय अनुसूची के अनुरूप या उससे मिलते जुलते स्वरूप में बनाए जाने आवश्यक है। भारत में सम्मिलित बैंकिंग कंपनियों के वार्षिक लेखों पर कंपनी के प्रबंधक या प्रमुख अधिकारी
और कम से कम 3 संचालकों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। यदि इस कंपनी में 3 से अधिक संचालक नहीं हैं तो सभी संचालकों के हस्ताक्षर होंगे। यदि भारत के बाहर बैंकिंग कंपनी का सम्मेलन हुआ है तो उसके वार्षिक लेखों पर कंपनी के भारत में प्रधान कार्यालय के प्रबंधक अथवा एजेंट के हस्ताक्षर होंगे। लाभहानि खाते एवं चिट्ठे के स्वरूप का अंकेक्षण, ऑडिट ऑफ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैंकिंग कंपनी के लाभहानि खाते एवं चिट्ठे का बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत एक निश्चित स्वरूप है। अंकेक्षक का कर्तव्य है कि वह देखे कि दोनों उसी स्वरूप में बनाए गए हैं अथवा नहीं। इसके अलावा बैंकिंग कंपनी को पुस्तक ऋणों यानी बुक डेट्स अथवा ऋण एवं अग्रिम यानी लोन एंड एडवांसेस के संबंध में एक विस्तृत सूचना देना आवश्यक होता है। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि ये सूचनाएं सही सही दी गई है अथवा नहीं। उसे यह निरीक्षण करना चाहिए कि समस्त संपत्तियों एवं दायित्वों को चिट्ठे में दर्शाया गया है और संदिग्ध दायित्वों के लिए चिट्ठे में पर्याप्त टिप्पणी डाल दी गई है। वार्षिक खातों का अंकेक्षण या ऑडिटिंग ऑफ एनुअल अकाउंट्स। बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 30 के अनुसार बैंकिंग कंपनियों के वार्षिक खातों के अंकेक्षण संबंधी प्रावधान इस प्रकार हैं। पहला, व्यक्तियों द्वारा अंकेक्षण। धारा 26 के अनुसार बैंकिंग कंपनियों द्वारा तैयार किए गए लाभहानि खाते एवं चिट्ठे का अंकेक्षण इन व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। भारत में सम्मिलित बैंकिंग कंपनी की दशा में चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रमाणित अंकेक्षक, और यदि कंपनी भारत के बाहर सम्मिलित बैंकिंग कंपनी है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की योग्यता रखने वाले व्यक्ति से अंकेक्षण कराया जा सकता है अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस देश के कानून के अंतर्गत अंकेक्षक होने की योग्यता रखता हो जहाँ उस बैंकिंग कंपनी का सम्मेलन हुआ है। अंकेक्षक के कार्य, अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य। बैंकिंग कंपनी के अंकेक्षक के कार्य, अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य वही होंगे जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनी के अंकेक्षक के होते हैं। वार्षिक खातों का प्रकाशन एवं फाइल करना या फाइलिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स। बैंकिंग कंपनियों के वार्षिक खातों का प्रकाशन एवं उनके फाइल करने से संबंधित प्रावधान इस प्रकार हैं। पहला, रिपोर्ट की प्रति रिजर्व बैंक को भेजना। बैंकिंग कंपनी के लाभहानि खाते, चिट्ठे एवं अंकेक्षक की रिपोर्ट की 3 प्रतियां संबंधित वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 महीने के भीतर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भेजनी चाहिए। यदि रिजर्व बैंक उचित समझे तो इस अवधि को आगे 3 महीने तक बढ़ा सकती है। रिजर्व बैंक को बैंकिंग कंपनी से व्यापार करने संबंधी अतिरिक्त सूचना की मांग करने का अधिकार है। रिपोर्ट की प्रति रजिस्ट्रार को भेजना। बैंकिंग कंपनी का यह कर्तव्य है कि वह खातों
एवं अंकेशक की रिपोर्ट की 3 प्रतियां रजिस्ट्रार के पास भी उसी समय भेजे जिस समय उन्हें रिजर्व बैंक के पास भेजा गया है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक को दी गई अतिरिक्त सूचना की प्रतियां भी रजिस्ट्रार को भेजी जानी चाहिए। अखबार में प्रकाशन। प्रत्येक बैंकिंग कंपनी का लाभहानि खाता, चिट्ठा एवं अंकेक्षक की रिपोर्ट किसी भी ऐसे समाचार पत्र में प्रकाशित की जानी चाहिए जो उसके प्रधान कार्यालय के स्थान पर प्रचलन में हो, किंतु यह प्रकाशन संबंधित वर्ष की समाप्ति के 6 महीने की अवधि के अंदर हो जाना चाहिए। धन्यवाद।